नालंदा के नूरसराय में सोमवार को नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सातवीं बार नालंदा से विधायक चुने जाने और नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर यह अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। नूरसराय के उद्यान महाविद्यालय में जेडीयू कार्यकर्ता की तरफ से इस समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सही मायने में अभिनंदन का हक क्षेत्र के साथियों का है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो स्नेह मिलता है उसे चुकाना संभव नहीं है। इस मौके पर नालंदा जिला अध्यक्ष सियासरण ठाकुर, पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील चंद्रसेन प्रसाद, प्रखंड प्रमुख रेखा देवी, जिला उपाध्यक्ष सुधीर कुमार सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। उसको मैं नहीं बोल सकता, मुझे यहाँ के लोगों ने जमीन पर से उठा करके कहाँ पहुँचाया, विधानसभा में, और विधानसभा में मॉनिटर बनने का काम। जब से हम विधानसभा में गए तो हम मुख्य सचेतक बने। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, पिछली बार जब मंत्री हमको उन्होंने बना दिया था तो उस समय भी कहा कि मुख्य सचेतक का जो पद है वो कैबिनेट स्तर का दर्जा है सर, और किसी एक माननीय विधायक को दे दीजिएगा तो वो चलाएंगे, अच्छा से चलाएंगे। बोले नहीं, अभी नहीं, ठहरिए। अभी भी मैंने कहा कि हमको मुख्य सचेतक क्यों बना रहे हैं, आपने मंत्री बना दिया तो मुख्य सचेतक दूसरे को बनाइए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी का हमारे ऊपर, भरोसा है, और इस भरोसे को कभी पिछले नहीं दिया। और आपके सामने ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा होगा जिस दिन नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ के मैदान में नूरसराय में, आपको स्मरण होगा हमने क्या कहा था। हमने कहा जिस झंडे को अपने हाथ में आपके साथ लिया है उस झंडा को किसी भी कीमत पर हम झुकने नहीं देंगे। मेरी जिंदगी जब तक रहेगी हम इस झंडे को झुकने नहीं देंगे। तो हम लोग तो इस काम के करने वाले लोग, कोई यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, कोई वहाँ ताकता है, कोई वहाँ झाँकता है। अरे भाई, ताकने झाँकने से समाज नहीं चलता है, ताकने झाँकने से पार्टियां नहीं चलती है, ताकने झाँकने से आपका कद काठी बढ़ने वाला नहीं है। जो ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जनता का खिदमत करता है, जनता की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है, गरीबों के दुख और तकलीफ में खड़ा रहता है, उसके लिए पार्टी भी उसको मदद करती है, उसको सम्मान देती है, और ऊपर वाले ईश्वर भी उनको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर भी कहते हैं कि आगे बढ़ो, फलो फूलो।